हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे शाही पनीर की सब्जी। इसके लिए आगे स्क्रीन पे कुछ इंग्रेडिएंट्स आएंगे, आप उनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप पहले से ही प्रिपेयर रहें। फर्स्ट स्टेप में मैं एक पैन में हल्का सा ऑयल और घी डाल लूंगी और उसके गर्म होने का वेट करूंगी। जैसे ही मेरा घी गर्म हो जाएगा, मैं अपने खड़े मसाले उसमें ऐड कर लूंगी। मैंने यहाँ पे तेज पत्ता, जीरा, दालचीनी, काली इलायची, हरी इलायची और लौंग ली है। मैं इन मसालों को अच्छे से कुक कर लूंगी जब तक इनमें से खुशबू नहीं आ जाती। जैसे ही मसाले कुक हो जाएंगे, मैं अपने अनियन ऐड कर दूंगी। प्याज को मुझे गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करना है। मैं कुछ खड़े मसाले निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा मसालों का फ्लेवर नहीं चाहिए, बट आप इन्हें गले रहने दे सकते हैं और ग्राइंड कर सकते हैं। अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही थी और इसे अच्छे से भून रही हूँ। जैसे ही हमारा मसाला कुक हो जाएगा, हम इसमें अपने टमाटर ऐड कर दें। टमाटर नीचे चिपक सकते हैं तो साथ ही साथ आप पानी भी ऐड कर दें। अब इस मिक्सचर को मैं अच्छे से पका लूंगी। मैं इस मिक्सचर में हल्का सा नमक, धनिया पाउडर और हल्दी भी ऐड कर दूंगी और इस मिक्सचर को 5 से 7 मिनट तक अच्छे से पकने के लिए छोड़ दूंगी। अब मेरा मिक्सचर ऑलमोस्ट डन है, बट मैं अलग से 10-15 मिनट इसे रख दूंगी ताकि मेरे टमाटर और अच्छे से गल जाए। साइड बाय साइड मैं पहले से भीगे हुए काजू और मस्कमेलन के सीड को बॉईल कर लूंगी। टमाटर का मिक्सचर अब एकदम रेडी है। मैं इस प्योरी को इस मिक्सचर में डाल के 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि ये मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो जाए। जैसे ही ये मिक्सचर ठंडा हो जाएगा, हम इसको अच्छे से एक फाइन पेस्ट में ग्राइंड कर लेंगे। मेरा पेस्ट अब एकदम तैयार है। इस पेस्ट को एक छन्नी की मदद से मैं अच्छे से छान लूंगी। मैं बीच बीच में थोड़ा पानी भी ऐड करूंगी क्योंकि ये पेस्ट काफी थिक होता है, तो हो सकता है बिना पानी ऐड करे ये अच्छे से ना छने। देखिए, हमारा मिक्सचर एकदम छन चुका है और इम्प्योरिटीज छन्नी में ही रह गई। अब मैं पैन में हल्का सा ऑयल लूंगी। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, मैं उसमें अपना रेड चिली पाउडर ऐड कर दूंगी। ये मेरी ग्रेवी को सुंदर सा कलर देगा। जैसे ही रेड चिली पाउडर पक जाएगा, मैं उसमें अपनी प्योरी ऐड कर दूंगी और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मैं इसमें कुछ और मसाले जैसे कि सॉल्ट, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, कसूरी मेथी, ये सब भी ऐड कर दूंगी। आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं क्योंकि हमने पहले ही मसाले डाल लिए थे। अगर आपको ज़रूरत लगे तो ही मसालों को डालें। मैं इसमें 1 चम्मच चीनी भी ऐड कर दूंगी क्योंकि शाही पनीर की ग्रेवी थोड़ी मीठी ही अच्छी लगती है। सब मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं 5-7 मिनट तक उसे अच्छे से कुक होने रख दूंगी। जैसे ही मेरी ग्रेवी कुक हो जाएगी, मैं इसमें अपना काजू और मस्क मेलन सीड्स का पेस्ट ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये हमारी ग्रेवी को काफी रिच टेक्सचर और अच्छा टेस्ट देगा। अगर आप अपनी ग्रेवी को कम्प्लीटली वाइट बनाना चाहते हैं तो आप हल्दी वाले स्टेप को स्किप कर सकते हैं। अब मेरी ग्रेवी अच्छे से पक गई है और मैं इसमें अपनी फ्रेश क्रीम ऐड कर दूंगी। आप होममेड मलाई का भी यूज कर सकते हैं।
हम फिर से अपनी ग्रेवी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्ब ना रहे। इस स्टेप में आप हल्का सा दूध भी ऐड कर सकते हैं पानी की जगह, ताकि ग्रेवी में अच्छा टेक्सचर आए। अब 10 मिनट्स के लिए मैं इस ग्रेवी को दोबारा से कुक होने रख दूंगी। अब मेरी ग्रेवी एकदम तैयार है। इसमें मैं अपने पनीर क्यूब डाल के ग्रेवी को अलग से 2-3 मिनट तक कुक करूँगी। अब हमारा शाही पनीर एकदम रेडी है। हल्की सी कसूरी मेथी डाल के आप इसको सर्व कर सकते हैं।